बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स तक पर। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज होगी, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। फैंस को इंतजार है इस सीरीज के शुरू होने का, क्योंकि दोनों ही टीमें जब टकराती है तो माहौल उसमें बड़ा मजा आता है, एक्साइटेड होती है ये सीरीज। भारत अपने घर में न्यूजीलैंड से 3-0 से हार कर जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया तैयार है भारत का सामना करने के लिए, क्योंकि पिछले 2 बार से ऑस्ट्रेलिया अपने घर में भारत से सीरीज हार रहा है, तो इस बार वो बदला भी लेना चाहेगा और देखना चाहेगा कि टीम इंडिया किस तरीके से बाउंस बैक करती है। ऐसे में प्रेडिक्शन का जो दौर है वो भी शुरू हो चुका है। आप जानते हैं कि प्रेडिक्शन की जाती है सीरीज को लेकर, तो ऐसे में पूर्व ऑस्ट्रेलियन कप्तान रिकी पोंटिंग ने भी प्रेडिक्शन की है। उन्होंने सीरीज कौन जीतेगा ये बताया है, उन्होंने ये भी बताया है कि इस सीरीज में सबसे ज़्यादा विकेट कौन ले सकता है, और साथ ही यह भी बताया है कि इस सीरीज में सबसे ज्यादा रन कौन सा खिलाड़ी बना सकता है। तो एक एक करके आपको सारे प्रेडिक्शन दिखाते हैं, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। सबसे पहले हम बात करेंगे कि रिकी पोंटिंग ने कहा है कि कौन सी टीम सीरीज जीत सकती है, तो आप ये देख सकते हैं, मैं इसका हिंदी अनुवाद भी आपको बताते जाऊंगा। रिकी पोंटिंग प्रेडिक्शन ऑन बीजेटी 2024-25। तो ये सीरीज बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहने वाली है, फैंस को इंतजार है इस सीरीज का। रिकी पोंटिंग कहते हैं कि आई थिंक इंडिया विल विन अ टेस्ट मैच समवेयर थ्रू द 5 टेस्ट मैचेस। मतलब रिकी पोंटिंग को लगता है कि इंडिया एक ही मैच जीत पाएगा इस पूरी सीरीज में, और कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया थोड़ा ज़्यादा सेटल नज़र आ रहा है, थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस नज़र आ रहा है, और हम जानते हैं कि उनको घर में हराना बड़ा मुश्किल है। तो मैं यहाँ पर कहूँगा कि ऑस्ट्रेलिया 3-1 से सीरीज जीत जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम दिखाते हैं रिकी पोंटिंग का बयान सबसे ज़्यादा रन कौन बना सकता है उसके ऊपर। तो यहाँ पर कहते हैं कि स्मिथ, मुझे लगता है स्मिथ, द फैक्ट डेट ही इज़ मूव्ड बैक डाउन फ्रॉम ओपनर टू नंबर 4 प्रॉबली मेक्स इट फील लाइक ही इज़ गॉट मोर ऑफ अ पॉइंट टू प्रूव डेट मे बी ही शुडंट हैव गॉन अप टू ओपन इन द फर्स्ट प्लेस एंड डेट्स नंबर 4 इज इज स्पॉट एंड वेयर ही शुड हैव प्रॉबली बिन द होल टाइम एंड वेयर इज प्रॉबली फिनिश हिज करियर नाउ। मतलब कि स्टीव स्मिथ को नंबर 4 पर अब आप बैटिंग करते देखेंगे, तो मुझे लगता है कि स्टीव स्मिथ नंबर 4 पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर इस सीरीज़ में रन बना सकते हैं, और उन्हें यह भी दिखाना है कि भाई वो ओपन करने गए थे वो गलत डिसीजन था, उन्हें नंबर 4 पर ही आकर प्रूफ करना है अपने आप को, और अब आगे वो अपने करियर में आपको इसी नंबर पर खेलते हुए दिखाई देंगे। उनका जो ओपनिंग में जाने वाला डिसीजन था वो उनकी एक गलत डिसीजन के तौर पर आप देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं, रिकी पोंटिंग कह रहे हैं कि भाई सबसे ज़्यादा रन बनाने वालों की लिस्ट में ऋषभ पंत भी आ जा सकते हैं। तो ऋषभ पंत बैक इन द साइड एंड प्रॉब्ली कमिंग इनटू बैट इन द मिडिल ऑर्डर व्हेन द बॉल्स प्रॉब्ली लॉस्ट अ बिट ऑफ इट्स शाइन एंड बिट ऑफ इट्स हार्डनेस एंड द फॉर्म डेट ही इज इन आई विल गो फॉर हिम एज वन ऑफ द लीडिंग रन स्कोरर एज वेल। मतलब कि ऋषभ पंत जब बैटिंग करने आएंगे तो बॉल की साइन और हार्डनेस चली जाएगी। आप जानते हैं कुकाबुरा की ये बॉल होती है, तो ऋषभ पंत जिस तरीके की फॉर्म में चल रहे हैं तो मैं उनको भी देखता हूँ वो लीडिंग रन स्कोरर हो सकते हैं सीरीज में। अब आगे बढ़ते हैं, रिकी पोंटिंग ने बताया है कि कौन सा जो खिलाड़ी है सबसे ज़्यादा विकेट ले सकता है। तो रिकी पोंटिंग को सीधे लगता है कि हेज़लवुड जो हैं वो विकेट ले सकते हैं सबसे ज़्यादा। रिकी पोंटिंग के मुताबिक हेज़लवुड विकेट लेने के मामले में सबसे आगे आ सकते हैं। वो कह रहे हैं कि आई थिंक हेज़लवुड आउट ऑफ द ऑस्ट्रेलियन क्विक सेट राइट एज द मोमेंट एंड इज प्रोबली एट द पीक ऑफ हिज पावर्स मोर देन द अदर गाइज, सो आई विल गो विथ हिम फॉर द लीडिंग विकेट टेकर। तो यहाँ पर देखा आपने, रिकी पोंटिंग बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा रन स्टीव स्मिथ ऋषभ पंत बना सकते हैं, विकेट लेने के मामले में आ सकते हैं हेज़लवुड टॉप पर, और साथ ही इंडिया इस सीरीज में सिर्फ एक ही मैच जीत पाएगा, बाकी ऑस्ट्रेलिया 3 जीत पाएगा, तो सीरीज 3-1 से ऑस्ट्रेलिया के नाम रहेगी। आप इस प्रेडिक्शन से कितना सहमत है कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन की घंटी दबाइए। वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कर लीजिए।